हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शुरू यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज मैं एक बार दोबारा से खेलने जाने वाला हूँ इंडियन अमंग अस, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं डेवल बनूँ और वही हाइड एंड सीक वाला मोड। तो देखते हैं कि वीडियो कैसी जाएगी। लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे आ गए सब प्लेयर्स। अब देखते हैं कि ये डेवल कौन बनेगा। शायद मेरे ऊपर तो अभी लाइट भी नहीं आई। ओह, लेकिन फिर भी मैं डेवल बन गया। यस, बहुत सही। एक्चुअली ऐसे करके जिसके ऊपर लाइट नहीं आती ना, उसके डेवल बनने की चांसेस कम होती हैं। और कम चांसेस वाला यहाँ पे सच हुआ। तो यहाँ पे रेड तो अभी पास में ही खड़े हैं, ये पिंक भी पास है। ए, वो कैसे हिल गया भाई, काउंटर में कैसे हिल गया वो, मेरे को ये नहीं समझ आता। मैं ही सिर्फ इसके अंदर हिल नहीं पाता, वैसे बाकी हिल जाते हैं। अभी सिर्फ 6 लोग बचे हैं। ओह, यहाँ पे मैंने भी एक बंदा मार दिया, ये हिल नहीं पाए। लगता है इनकी गेम थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। अब 5 लोग बचे हैं और अब इस 5 के अंदर असली गेम शुरू होगी। जहाँ भी छुपे हो भाई मेरे को दिख जाओ। यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो सिलीज़ हैं उनको अपना टास्क कंप्लीट करना है। और मुझे लगता है इस मैच के अंदर सिलीज़ थोड़े बढ़िया होंगे। तो यहाँ से देख लेता हूँ कौन कहाँ पे है। तो 2 राइटिंग रूम में और 2 गार्डन में, ठीक है, अब बढ़िया है। तो अभी पहले तो राइटिंग रूम में चलता हूँ मैं, या फिर कोई निकल रहा हो सकता है यहाँ से। उधर राइटिंग रूम तो ऊपर है, लेकिन छोड़ो, गार्डन पहले इधर है। ओ ये इधर इधर, मैंने किसी को देखा। प्लीज़ भाई यहाँ पे रुक जाओ। अरे भाई, इतनी मुश्किल से हाथ में आए थे, कहाँ निकल गए एकदम से। 2 यू लाइन में निकल के पता ही नहीं लग पाया। लेकिन इधर यहाँ पे एक और एडमिन जैसे। ओ, यहाँ पे अभी 3 डाइनिंग रूम में और 1 वहाँ बॉल रूम में है, ग्रैंड हॉल में है। ओ यस, ये रे, इसको तो मार दूंगा मैं। ये आराम से खड़े होकर टास्क कर रहा था, बाकी दोनों भाग रहे थे और मेरे एकदम सामने से निकल गए। लेकिन मैं उनको मार नहीं पाया क्योंकि मेरे को भी पहले उनके पीछे जाके चेस करना पड़ता। लेकिन वहाँ पे मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। सबसे बढ़िया ये होता है कि मौके का फ़ायदा उठाओ। अरे मैं अटक क्यों जाता हूँ इसके अंदर, अटका मत कर भाई। इसके अटकने के चक्कर में मैं अभी वही उसे मार नहीं पाया। बहुत ही खटिया होता है अटकना, रास्ते के बीच में अटकते नहीं है। ओ यस, यहाँ पे ये सिक्योरिटी मज़े से देख रहा था और इस बात का फ़ायदा उठा के मैंने फिर से इसे मार दिया। मज़े आए। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 3 सीरीज बचे हैं और उनमें से 1 के टास्क पूरे हो चुके हैं। अगर मैंने 3 को मार दिया तो हम जीत पाएंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं है। प्लीज़ किसी को तो होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, ओ तू अंदर गया, मैंने तेरे को देख लिया। यस, ओ शर्ट भी कितने हाथ से निकल रहे हैं भैया, कहाँ निकल गया। अरे भाई, मैंने उसे यहीं पे देखा था, बड़ा अजीब ही बंदा है, हाथ से निकल गया ऐसे। इस मैच के अंदर ना पता नहीं कैसे बंदे ऐसे निकली जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस मैच के अंदर मैंने किल्स थोड़े बढ़िया किया है क्योंकि इस मैच के अंदर जो सिलीज़ हैं वो भी हमें बहुत बढ़िया मिले हैं। अच्छा, 3 ग्रैंड हॉल में है, मुझे लगता है उनका एक टास्क हो सकता है वहाँ पे। अभी देखो, अभी मेरे हाथ से कुछ बंदे निकले हैं, इसलिए अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पकड़ना। ये यहाँ पे गया, मेरे को पता है। ओ शर्ट, अंधेरा भी तो बहुत है। ओके, ये एक बॉल रूम में है और एक ग्रैंड हॉल में, एक बाथरूम में है। मेरे हिसाब से मेरे को पहले ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है। टास्क तो वैसे एक होता है यहाँ पे उनमें सिलीज़ का। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, अभी तो था कोई। मेरे हिसाब से वो निकल गया होगा, और अगर निकला होगा तो यहीं पे पास में होगा। हम अभी विक्ट्री के बहुत ही ज़्यादा पास हैं। अभी एक ग्रैंड हॉल में है, मेरे देखा शुरू में 2 दिख रहे थे। इधर मारना पड़ेगा मेरे को अभी किसी को। ओके, मेरे को लगा अभी यहाँ से कोई गया। किधर है भाई अभी लोग? अभी बस वो एक ऑरेंज जिंदा है और उसके टास्क नहीं हुए और बाकी सब मर चुके हैं। अगर हमने ऑरेंज से वो पहले बाकी दोनों को मार दिया तो हम जीत सकते हैं। यस, ओह दिख गया फाइनली। ओ भाई, कैसे मूवमेंट पे बंदा मिला था मेरे को, कितना बढ़िया लक है मेरा। ओके, वो दोनों ग्रैंड हॉल में है। इधर, ओ यस, ये रे दोनों, ठीक है, एक को तो मार दिया, दूसरा भाग गया। और अब मेरे को और जितना मैं ऊपर लाइन देख के पहचान सकता हूँ ना, वैसे एक सेकंड, मेरा जो डेवल बड़ी है वो गेम छोड़ के जा चुका है। जितना मैं ऊपर लाइन देख के पहचान सकता हूँ कि मेरे हिसाब से तो वो बस ऑरेंज जिंदा है और साथ में उसका एक ही टास्क बचा है, बाकी सबके टास्क हो गए। तो उसका ये जो एक टास्क बचा है वो वहीं ऊपर वाला होगा, तो मेरे को वहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा। गाइस, माना कि मैंने वो इस मैच के अंदर बहुत से किल्स छोड़ दिए, लेकिन मैंने साथ में अब पूरी गेम जो है वो मेरे अकेले पे है। और मेरे को ये भी मैंने अभी पता लगाया है कि जो ऑरेंज है उसका सिर्फ एक ही टास्क बचा होगा, आई थिंक सो, क्योंकि 90% टास्क हो गए। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, उसका सिर्फ एक ही टास्क पता होगा और वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था। यस, वो वापस आ गया ग्रैंड हॉल में।
ग्रैंड हॉल में वन दिखा रहा है, यानी कि ऑरेंज ही होगा ऑब्वियसली ग्रैंड हॉल में। इससे पहले कि वो टास्क कंप्लीट करें मेरे को जाके उसे मारना है। और ये देखो वो इधर नहीं अभी। अच्छा तो मेरे हाथ ही शायद निकल गया, कहीं और ना हो उसका टास्क, उसका टास्क बस यही हो खास। ओ ये रहा, तो ये अभी उसी टास्क को करने के लिए जा रहा था और मैंने इसे मार दिया और फाइनली गेम भी जितवा दी मैंने अपने डेविल्स को। यस वैसे विक्ट्री सही में मस्त थी, है चैलेंजिंग विक्ट्री है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक और मैच ज्वाइन किया और इसके अंदर मैं डेविल नहीं बन पाया, इसके अंदर अभी तो कोई और डेविल बना है। और लेकिन अभी मैं एज अ सिली मेरे को यहाँ पे अभी सारे काम करने पड़ेंगे और मेरे को साथ में उसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो डेविल आके मेरे को मार ना दे। तो पहला काम तो यहाँ पे है, वैसे सबसे पहले ना उधर काम करने जाऊँ जहाँ पे हमें लगता है कि वो जो है जो डेविल है वो मुश्किल से आ पाएगा, क्योंकि शुरू में जब वो मतलब सब उस टाइम हटेगा तब वो मतलब जब शुरू में उसका जब टाइम हटेगा तब वो एकदम आ नहीं पाएगा ना, मतलब एकदम शुरू शुरू में जगह जाएगा जहाँ पे शुरू शुरू में उसको लोग दिखेंगे, इतनी आगे वो आ नहीं पाएगा। एक सेकंड इधर, सॉरी वो शायद गार्डन में है वो, ये तो गेस्ट रूम है जहाँ पे मैं अभी आया हुआ था। ये काम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है अभी, अभी तो नहीं है ये। एक सेकंड ग्रीन लाइट आनी चाहिए ना, हाँ यस हो गया, दो टास्क अभी मेरे बहुत जल्दी हो गए। और उसने अभी तीन लोग मतलब मार भी दिए हैं, कैंडल्स जलानी है, ठीक है जल जा। ओके चल गया। अभी यहाँ किचन में मैं हूँ और राइटिंग रूम में एक है, ग्रैंड हॉल में एक है, ठीक है। और वो मैंने देखा है दूर है वो, तो अभी उसकी अभी उससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आ गया तो बच नहीं पाएंगे। ये इसका पैटर्न तो ये है, नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं फिट होगा ये, अच्छा फिर नीचे फिट होगा सीधा, जल्दी टास्क करने पड़ेंगे क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। और वैसे मैं साइड पर भी ध्यान दे रहा हूँ कि पता चले कभी भी एकदम से ना आ जाए, साथ में ध्यान भी दे रहा हूँ मैं। ओ किधर आ जा, ठीक है लग गए। ओके तो अब सिर्फ एक टास्क बचा है, अगर मैंने वो टास्क कर दिया तो मेरे तो सब टास्क कंप्लीट हो जाएंगे और मुश्किल जो है वो उस डेवल के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक छोटा टास्क है, अरे जल्दी से ख़त्म हो जाए बस ये, बस एक बार अगर टास्क मेरे कंप्लीट हो गया ना उसके बाद बस छुपन छुपाई है फिर रियल। अब मेरे को कहीं जाके बच जाना है और वो बार बार मेरे को देखते रहना है, वो उस एडमिन से इसी जगह से मेरे को बार बार देखते रहना कि वो किचन में है। अभी मेरे से तो दूर है लेकिन अभी मैं उससे और भी ज़्यादा दूर भागूंगा। ओके तो अभी मैं लास्ट सिली जिंदा बचाऊँ। ओह उसको साथ में किचन से उसने ये ना देख लिया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, बट किचन से उसने देख लिया होगा कि मैं राइटिंग रूम में हूँ, और अब राइटिंग रूम से उसने यहाँ देख लिया होगा तो वो यहाँ पे आने लगेगा, इसलिए मैं निकलता हूँ। अब यहाँ से वो कहाँ देखेगा, यहाँ से वो जा भी देखेगा मेरे को पता चल जाना चाहिए। अब मैं सीधा किचन में जाऊँगा और उस दूसरी वाली जगह से देखने की सोच रहा हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ वो कहाँ पर है। अब कोई शर्ट वहाँ पे ब्लू भी मरा पड़ा है, ठीक है वो मास्टर बेडरूम में और लगता है आ रहा है वो, इसलिए मेरे को यहाँ से तो जल्दी भागना पड़ेगा। यहाँ पे वो येलो मरा पड़ा है, लास्ट सीली अलाइव हूँ। और पता है अभी इस गेम को जीतने के लिए अगर ब्लू ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए तो हम जीत जाएंगे, कहीं से भी आ सकता है वो। एक बार दोबारा देख लूँ, वो डाइनिंग रूम में है वो, तो इतनी पास है, बड़ी पास है वो मेरे, बड़े पास है, जल्दी से भागना पड़ेगा। ओह यस ब्लू ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिया और हम जीत गए, क्लच विक्ट्री भाई, मजे आ गए। वो वाला मैच ना बहुत ही ज़्यादा कूल था, बस मैं उसे देख के वहाँ से भागी जा रहा था क्योंकि मैंने अपने सब टास्क कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद जो वहाँ पे एक सिली मारा पड़ा था उसने भी अपने जैसे टास्क कंप्लीट किया, हम सब जीत गए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं चलता हूँ भाई।